बनोली पंचायत के बाद अब हम पहुंच रहे हैं डीह रामपुर डीह, और रामपुर डीह में हमने कल कई सवाल जनता से पूछे थे, और आज ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 3 है। 3 वार्ड नंबर, ये वार्ड नंबर 3 में है। और देखिए यहाँ पर कई महिलाएं भी हैं, कई लोग हैं यहाँ पर। की बूढ़ी माँ, पूरा अहाँ के सबके सब सुविधा भेटल है? कथी शौचालय पैसा भेटल? नहीं। 12,000 नहीं दिला का? नहीं, हमार बनलो है शौचालय। अच्छा, और ये बताओ अहाँ के राशन मिले है? राशन दैया। राशन मिले है? हाँ राशन मिले है। हाँ राशन तो दैया। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था भेटे पेंशन? बुढ़वा बुढ़वा अवस्था वाला तो भेटैया, कते दिन तक नहीं दिलक, लिखल पर नहीं दिलक, 5-6 साल तक आप फिर दैया भेटैया अब। हाँ वहाँ क्या कोई किस दिक्कत, और की दिक्कत है जे अहाँ कहबे मुखिया के हमारा ये काम करवा दिया? कुछ नहीं करा दिया मुखिया, कुछ नहीं। नहीं हमरा सबके देखा छू, सब तर घर मिलल है, हमरा सबके दिला का एहन अवस्था है तई पर नहीं देला। नहीं अहाँ के की दिक्कत है? जो दिल में है सही बात, चूंकि जब हम जनता की बात करते हैं तो जनता पक्ष विपक्ष दोनों देखती है, और दोनों की बात देखना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या इस पंचायत वार्ड में की वार्ड में की दिक्कत है? पानी वार्ड में देखिए, पानी का अभी पानी तो हर जगह का वही हाल है, चलता है 10 रोज चलता है, बंद हो जाता है, वहाँ लिख वो तो चलता ही रहता है। रह गया हम लोगों को एक नाला। ये कौन किया था ये जल नल जो नहीं पहुँचा, कौन बनाया जल नल? जल नल श्याम बनाया है। अच्छा, तो पानी नहीं पहुँच रहा है? नहीं पहुँच रहा था, फिर बंद है हर जगह का, तो वही कोई मेरे ही वार्ड का बात नहीं है, हर जगह का वही है, जल नल का हिसाब वही है, हर जगह वही हाल है, कहीं भी नहीं पानी वानी आने का कोई वो है नहीं। नाला यहाँ जल जमाव होता होगा? जल जमाव होता है क्या यहाँ? नहीं यहाँ जल जमाव नहीं होता है, लेकिन नाला का आवश्यकता है। जैसे दोनों तरफ प्राइवेट जमीन है, उस जगह अगर किसी का पानी अगर उधर जा रहा है तो गाली गलौज करते हैं, नाली नहीं बना, इस वजह से नाली का बहुत आवश्यकता है। चलिए हम और कई लोग हैं जो सही बात हम जानना चाहेंगे, किसी भी पंचायत का विकास सिर्फ वोट पर नहीं होता है बल्कि आने वाले पीढ़ियों पर भी निर्भर करता है, कि आने वाले भविष्य पर भी निर्भर करता है कि आखिर क्या होता है। ये बताइए ये वार्ड नंबर 3 है जी, पिछड़ा इलाका कहा जाता है इस वार्ड नंबर 3 को? अति पिछड़ा। अति पिछड़ा, तो क्या स्थिति है यहाँ पर आपको? यहाँ पर जो है, यहाँ पर करने का मतलब ये हुआ कि इस वार्ड नंबर 3 में वार्ड सदस्य जो थे, और जो काम को सही सुचारू रूप से नहीं चला पाने के कारण ये जल नल का कार्य जो सिद्धि नहीं हो पाई, और इसके वजह से यह जर्जर बना हुआ है। आप जानते हैं कि वार्ड मेंबर हर जगह केवल कि जल नल योजना से लाखपति हो गया, इसीलिए अब एक वार्ड में 5-5, 10-10 का, अब यहाँ इस वार्ड में कितना उम्मीदवार खड़ा है? इसमें अभी 6 उम्मीदवार। बताइए, पहले वार्ड मेंबर मिलता नहीं था चुनाव मैदान में, कई जगह वार्ड मेंबर के लिए आदमी नहीं खड़ा होता था, अब इस वार्ड में 6-6 आदमी खड़े हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि लोग राजनीतिक क्षेत्र को बिजनेस बना लिया है। अच्छा, बिजनेस बनाने के पर्पस से यह कहना चाहता है कि मैं वार्ड सदस्य बनूं तो मैं वार्ड सदस्य बनूं, और वो उसको एक बिजनेस क्षेत्र बना लिया है कि मैं अगर वार्ड सदस्य बन जाऊं तो मैं इतना कहूं तो जनता को क्या सेवा करेंगे, वो तो बिजनेस करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। या वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जो भी। अच्छा, इस पंचायत में क्या कमीशन का क्या चलता है? हर पंचायत में कुछ तो कुछ कमीशन का बात होता है, क्या इस पंचायत में इंदिरा आवास या अन्य में मिला है क्या कमीशन दिया जाता है क्या? बिना कमीशन का सर कोई काज नहीं होता है। ये धरती पे जितनी भी कुर्सी बनी हुई सब चोरों का कुर्सी बना हुआ है, सच्चा का कुर्सी जीता नहीं है, वो मर जाता है। चलिए आप बताइए कि क्या लगता है, आप युवा हैं, सही बात बोलिएगा और जो जनता के लिए है कि वास्तव में काम हुआ नहीं हुआ और क्या होना चाहिए? काम क्या हुआ वो तो सबके नज़र में है, काम इसमें जैसे कि सड़क वड़क तो ऊपर से बाढ़ राहत मिला 6,000 आपको? मिला। हाँ, बाढ़ राहत आपको मिला? जी मिला। अच्छा, और फसल क्षति? नहीं फसल आप लोग का डूबा? जी जी बिल्कुल, तो उसमें फसल क्षति अभी नहीं मिला है? नहीं मिला।
अच्छा, और बताइए कि घर में राशन, कोरोना काल में राशन उशन का व्यवस्था? जी मिला था, राशन सबको मिला था जी, घर में जी जी। कोरोना काल में क्या क्या दिक्कत था उस समय? कोरोना काल में क्या दिक्कत था, मतलब उस राशन वासन तो सबको मिल ही रहा था। अच्छा। और नेता की तरफ से कोई कमी नहीं था। अच्छा। हम लोग बाहर में थे तो हम लोग को वहाँ से मदद भी मिला, यहाँ से मदद मिला, यहाँ से बाहर में थे तो यहाँ से भी मदद गया था, 1000 रुपया गया जी जी। नीतीश कुमार वाला, अभी ये नहीं पता किसका वाला था, लेकिन मतलब नीतीश कुमार वार्ड में हो, मुखिया हो, जिसके थ्रू, लेकिन नीतीश कुमार वाला 1000 जी गया था। नीतीश कुमार जी का वाला पैसा सबको अकाउंट में 1000 रुपया गया। अच्छा, बताइए 6000 रुपया बाढ़ रात में मिला, कितना मिला आपको बाढ़ रात में? 6000 की 5000 6000 पूरा कमीशन नहीं गया, पूरा मेरा पैसा गया जी जी बिल्कुल, वो अकाउंट से ही ट्रांसफर हो रहा था, इससे पूरा पैसा गया। और हम बता दें, पिछले बार डिमांड किया गया था, इस बार पिछले बार मिला था तो 1500 रुपया डिमांड किया गया था, इस बार नहीं, नहीं इस बार तो डायरेक्ट गया है पिछले बार। तो हम बता दें, यहाँ जो वार्ड नंबर 3 है, अति पिछड़ा जगह कहा जाता है, और खास कर हम बता दें, और भी कई लोग हैं। बाबा आप बहुत ज़्यादा सही बात, आप एकदम लगता है चेहरा से, ये बताइए कि आप लोग को इंदिरा आवास मिला था? हाँ मिला। कितना पैसा दिए? 1,20,000 दिए थे। कितना देबो किए थे? नहीं नहीं दिए। नहीं दिए, मैंने आपको पैसा नहीं लिया आपसे? नहीं लिया। अच्छा, बाढ़ राहत का पैसा मिला? हाँ मिला। मुखिया जी दे बाढ़ राहत? हाँ। कितना दिए? 6000 पैसा नहीं दिए उसमें से? नहीं। के लिए? नहीं, नहीं तो अकाउंट में आया इसलिए नहीं लिए। नहीं लिए। अच्छा, तो आपको क्या और समस्या लगता है कि क्या अगर इस बार कोई जीतता है तो क्या करे आपके लिए? क्या करेगा, कुछ नहीं करता है हम लोग के मुखिया, कुछ नहीं, कुछ 6000 के है आप दिए, वो सरकार दिया है ना, तो सरकार उसी के थ्रू नहीं देता होगा, उसके थ्रू नहीं आया, वो तो अकाउंट में आया। हाँ, तो आपका नाम तो मुखिया ने लिख के दिया होगा कि इनको बाढ़ में पहले ही से लिखा हुआ है, वो क्या देगा? तो पिछला हमको वार्ड नंबर दिया, मुखिया नहीं किया। अच्छा, वार्ड नंबर दिया, तो मुखिया वार्ड नंबर सब एक ना होता है? अब जो हो मगर दिया, वार्ड नंबर लिख कर ले गए। लूट में कहता कि मुखिया वार्ड नंबर सब एक है, देने में भी सब एक ही होगा, जो है ये एक है कि आप दो है से नहीं। तो हम बता दें, और ये बताइए कि आप ये इस वार्ड में क्या क्या समस्या है और क्या क्या? इस वार्ड में सबसे पहले तो जल, जो 18 लाख देता है गवर्नमेंट, जो दे रहा है जल नल के लिए, इस जल नल में जो हमें पानी की सुविधा मिले, अच्छा पानी मिले, जल मीनार पानी मिले, जल मीनार बना है, लेकिन उसका पानी अगर पीजिएगा तो कैंसर के बराबर पानी है, वो महकता है मुर्दे के समान महकता है। 18 लाख दिया जिसमें पौने 12 लाख का MB है, जिसमें 6 लाख रुपया निकाल करके गबन कर लिया गया है। और देख लीजिए विकास, उसको नाला इसको बोले थे कि रोड बनवा दीजिए, रोड भी नहीं बनवाया, क्योंकि वार्ड का वार्ड की मैं समिति का काम है तो वही कर सकता है ना, वार्ड ही मेंबर कर सकता है, मुखिया तो नहीं कर सकता। मुखिया करता है, वार्ड मेंबर के थ्रू करता है। हाँ, वार्ड मेंबर, तो वार्ड मेंबर में वार्ड क्रिमान्य समिति में दिया लेकिन उसने नहीं बनाया, उसने 6 लाख रुपये का गमन भी कर लिया है। और जल नल का पानी आप चेक कर लीजिए कि कभी पानी इधर चला है या नहीं चला है। अच्छा, नाला बना आपने की तरफ? नाला देखिए, नाला बनवाया गया था, शुरू किया गया था, लेकिन इसमें जनता सब जो है कुछ माटी भर देता था जबरदस्ती राजनीति हस्तक्षेप के लिए, लेकिन विकास के लिए उसने सब चीज़ किया मुखिया ने, लेकिन यहाँ पर काम नहीं होने दिया। सर, जनता ने बलजोरी नहीं भर दिया, जनता के कहलाम था जो पाइप से पानी नहीं जाएगा पूरा गांव के, ये ईटा जोड़ कर बनाइए, ये अपना पाइप उखाड़ कर ले गए। हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहते हैं, जो कुर्सी है वो खाता है। 3 लाख का काम हम आपको दिखाते हैं, बरगद के पेड़ का क्या काम था वहाँ पे, 3 लाख रुपया है, कैसे है थोड़ा आप भी जाके देख लीजिए ऑन द ग्राउंड जीरो। यहाँ बहुत महिलाएं आ चुकी हैं, अब आप जाना चाहेंगे बहुत लोग से कि बजबे की बोलिए ना, बोलिए जब नहीं बाजबे तहना हाथ नहीं मिला, सरकार के योजना नहीं मिला, की सभा के भेटल है घर भेटल इससे पूछो आके की भेटल से बता। हमरा तो सरकार तरफ से घर भेट लेना, घर भेट गेल। हां अच्छा, और की अंक शौचालय भेटल? शौचालय मतलब नहीं, सब नहीं भेटल का 12000 मतलब बनेबे निकले तो भेटते कहां से? उनो भेट जाए छे, लोग नहीं बनबे तो भेट जाए छे। नहीं नहीं भेटल का, नहीं देलिए नहीं भेटल। और बाढ़ राहत भेटल 6000? हाँ 6000 भेटले हैं। ओह, में पैसा लेला कोई? नहीं, वही से मैंने दिल नहीं लेला। नहीं, तो चलिए हम बता दें, जब हम बोलते हैं तो हमारे साथ जनता भी बोलती है, और जनता की सभी समस्याओं को सही तरीके से जो दिल पर हाथ रख करके आप वोटिंग कीजिए, क्योंकि जान लीजिए एक बार चुनाव एक वोट महत्व नहीं रखता है, महत्व ये रखता है कि आपके एक वोट से आपके आने वाली पीढ़ी, जो आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, 5 साल में बड़े हो जाएंगे, क्या उनको शिक्षा चिकित्सा या ये जो रास्ते पर चलने के लिए
जो नाला है, फिर जल नल योजना का पानी, जो स्वच्छ पानी जिसे बीमार ना पड़े, ये आपके घर तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। अगर सही में समझते हैं कि जो प्रत्याशी ईमानदार है, एक रुपया घूस नहीं लेता हो, वैसे प्रत्याशी को जिताइए, वरना वो आपको 1,000 रुपया देगा और आपसे ही 1,00,000 रुपया लूट लेगा। अब फिर उस समय आप बोल नहीं सकते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए काम नहीं किया। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो पूरा समाज बोलता है हमारे साथ। धन्यवाद।